गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। और देखिए, कमेंट से पता चला कि कल का जो वीडियो था उसमें एक छोटा सा भूल हो गई। सूंड की नहीं था, वो दांत था। गणेश जी का दांत जो है वो टूटा हुआ है। एनीवेज, हम लोग सुबह सुबह उठ गए थे और आनू को स्कूल छोड़ दिया है और खुद कचौड़ियाँ खाने के लिए लाइन में लगे। छुट्टी है तुम्हारी? छुट्टी यार, तुम लकी हो। हम लोग लाइन में लगे हैं, हमारी कचौड़ियाँ बन रही हैं, बस बन गए। तुम यहाँ पे बातें करने आई थी या पायल लेने? अरे ये मैंने निकाली हुई थी ना, अभी जल जाते लो। मेरे पास एक वो है बिछी है, मगर वो मोर बने हुए। मजा आ रहा है हनु? तेज हो यार। तो तुम सुबह सुबह आज मौसी से मालिश करवाने आए हो? क्यों? तो प्रिविलेज है। क्यों? ये यहाँ पे बैठ के जल रही है। घर में ये सुविधा नहीं मिलती तो तुम्हें क्यों मिले? ये हमारे घर का सबसे बड़ा बच्चा है, इसलिए इसका पेमेंट करके जाना मुझे, मैं अकाउंटेंट हूँ। ये जो है ना, इसका पेमेंट कोई कर नहीं पाएगा, कोई कर ही नहीं पाएगा। बच्चों की जो सेवा होती है ना, उसे कोई नहीं। तो मैं हॉस्पिटल आ चुका हूँ और आज मुझे जाना है रेड एफएम के ऑफिस में, और वहाँ पे आज एक मतलब टॉक होने वाली है कि क्या स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से ब्लड शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो आज उस पर एक टॉक होनी है, तो मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, पूरे नोट्स बना के बैठा हूँ कि कुछ मतलब अच्छा कंटेंट लेके जाऊँ, और मैं सोच रहा हूँ कि उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मुझे शूट करने दें, क्योंकि एज अ ब्लॉगर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा किसी रेड एफएम के ऑफिस में। पहले एक बार गया हूँ मैं, बट तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, तो आज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे ब्लॉग करने दें। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस ब्लॉग को शेयर ज़रूर करिएगा। इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। हाय, मैं हूँ दीपांशु अग्रवाल, डॉक्टर दीपांशु अग्रवाल। अपनी डेसिग्नेशन और आपके हॉस्पिटल का नाम फिर से एक बार। हेलो, मैं डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल, मैं निर्वाण हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ एज ए मनोचिकित्सक, और आज मैं आप लोग के ऑफिस में आया हूँ बात करने के लिए कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से ब्लड शुगर लेवल्स पे क्या असर पड़ता है। बिल्कुल सर, तो आपने क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया है, तो एक क्रिस्प रखेंगे 45 सेकंड्स के अराउंड, क्योंकि टॉप एंड टेल भी उसके लगेगा। तो क्या अफेक्ट पड़ता है ब्लड शुगर पे कंट्रोल और डायबिटीज में? तो इसका जो ब्लड शुगर है ना, ये हमारे बहुत सारी चीजों से कंट्रोल होता है, और स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हर आदमी में इस समय भरपूर मात्रा में बढ़ी हुई है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी जब होती है, तब क्या होता है ना, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे एड्रेनलिन है, कॉर्टिसोल है, उससे क्या होता है कि ब्लड शुगर की मात्रा बॉडी में बढ़ती है और उस वजह से शुगर लेवल्स हाई होते हैं। अब स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या होता है कि जब एंजाइटी और डिप्रेशन से आदमी जूझ रहा होता है, तो उसकी ईटिंग हैबिट्स खराब हो जाती है। सबसे पहले हम लोग जैसे मूवीज में और इन सब में देखते हैं कि लोग आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं या जंक खाना शुरू कर देते हैं, है ना, अपनी सेहत पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उस वजह से क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, और इन फ्लक्चुएशंस की वजह से लोग डायबिटिक हो जाते हैं। उस समय तो शुगर लेवल हाई हुआ, लेकिन रैंडमली इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है कि अभी हाइपोग्लाइसीमिया चले गए, फिर एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए, तो उस वजह इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, इसको आप रोक कैसे सकते हैं? चार चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक है कि आप ब्रीदिंग करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, और सबसे इम्पोर्टेंट योगा करें। योगा से बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप मुझे सर्च करिएगा, मेरा नाम डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल है, और आपको मैं मिल जाऊंगा निर्वाण हॉस्पिटल में, आप वहाँ पे आके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम लोग आज रेड एफएम के ऑफिस में आए हैं, और आप सर? आरजे मोहक मेरा नाम है, और पूरा लखनऊ मुझे सुनता है 3 to 5 रेड इंडीज शफल, ये शो मैं होस्ट करता हूँ। तो आप लोग इनका शो जरूर सुनिएगा। मैं इतना रेड एफएम का शौकीन नहीं हूँ, क्योंकि मेरा घर बगल में ही है, तो गाड़ी में ज्यादा बैठना नहीं होता है, लेकिन मैं भी सुनूंगा। आज मेरा इस पे प्रोग्राम आने वाला है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन पे क्या असर पड़ता है, तो आप लोग ज़रूर इनका शो सुनिएगा। और मुझे आज रेड एफएम के ऑफिस आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो वॉर्म्थ है ना, और जो लोगों से मिलने का तरीका है, वो इतना अच्छा है कि मुझे लगा कि मतलब मैं भी एक मतलब मेरी उम्र 10 साल कम हो गई। क्या बात है, क्या बात है। अभी आपने ब्लॉगिंग करनी भी शुरू की है,
तो ये इसका इसका क्या मतलब पीछे लॉजिक क्या है, आपने कहां से कैसे माइंड में आया कि यार मैंने ब्लॉगिंग इसलिए शुरू करी क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी हुई 3 साल पहले और उसकी मतलब हम वीडियोस तो बनाते ही थे और फिर उसका एक रिकॉर्ड मतलब बनता चला गया। अच्छा फिर क्या हुआ कि जब लॉकडाउन लगा तो ये ट्रेंड में आया ब्लॉगिंग, तो बहुत सारे हमारे ब्लॉगर्स हैं हम उन लोग को देखते थे, पूरा पूरा दिन देखते थे। अच्छा वीडियोस हम भी बना रहे थे लेकिन डाल नहीं रहे थे, तो एक दिन मन किया कि चलो हम लोग भी करते हैं। तो अब उसमें इंटरेस्ट आने लगा कि भाई पूरा दिन आप लोगों की नेगेटिविटी सुने और फिर आपको ये रहे कि शाम को जाके वो डिटॉक्स इस तरह करना है। क्या बात है, है ना, कि आप जा रहे हैं आप मतलब मेरा सेटअप इससे थोड़ा छोटा है लेकिन मैं जाता हूँ पूरा, वहाँ बैठता हूँ अपना पूरा कंप्यूटर सजाता हूँ, 2-4 इक्विपमेंट्स मैंने खरीद लिए हैं और उसमें एडिट करता हूँ पूरा दिन, रात मतलब 11 बजे तक एडिट करके डाल देता हूँ। लेकिन उससे क्या होता है ना, मुझे इतना ज्यादा मेंटल पीस मिलती है कि मुझे लगता है कि यार बहुत अच्छा काम शुरू किया। नहीं तो क्या होता है, पहले क्या हो रहा था कि भाई हॉस्पिटल से घर गए, घर पे अब बीवी से आप कितनी बात करेंगे, वही बात है ना। तो अच्छा अब ये भी सही चीज है कि ब्लॉगिंग से एक अच्छी चीज ये भी है कि जैसे आप अभी जो अपने पेशेंट से डायरेक्टली बात कर रहे हैं तो आप एक लोगों को डील कर रहे हैं, 1-to-1 डील कर रहे हैं, पर जब आप उसी चीज के बारे में यू नो एक वीडियो के थ्रू बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं और भी लोग हैं उनके अंदर भी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आ रही है। नहीं, बहुत इंप्रूवमेंट आता है। मैं आपको बताऊं, मैं पिछली बार जब यहां आया था तो मैं इतना नर्वस था कि मेरे पसीने छूट रहे थे। आज आया हूं तो मैं इससे कह रहा था यार अच्छा वहां जाना है चलो चलते हैं, कब जाना है, इससे 3 दिन से पूछ रहा हूँ कब जाना है कब जाना है। एक्साइटमेंट है क्योंकि अब आपकी वोकेशनल स्किल्स जो है इतनी स्ट्रांग हो गई है, अब गलती कर भी रहा हूँ तो पता है कि हाँ काट दूंगा या, बाद में। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे क्योंकि आप साइकेट्रिस्ट हैं और आप बहुत सारे लोगों के साथ डील करते हैं, बहुत सारी निगेटिविटी आपको सुनने को मिलती है जो लोगों के अंदर है, तो आप कितना भी पॉजिटिव हो जब आप बहुत निगेटिव सुनते हो तो वो उसका आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है यार। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, जैसे एक रिसेंटली केस आया कि हस्बैंड ने वाइफ को जो है छोड़ दिया फॉरेन कंट्री में, है ना यार। तो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाइफ की तबीयत खराब है, वो मेंटली इल है, तो यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ हर ना। बिल्कुल, आप उसको छोड़ दिया कि वो जाए इंडिया वापस और वहाँ रहे, मैं नहीं रखना चाहता, मैं तो अब उस कल्चर में रम गया हूँ, मैं अब देख लूंगा, मैं नैनी रख लूंगा, ये रख लूंगा। यार बच्चे नैनी के थ्रू नहीं पलते हैं, बच्चों को माँ भी चाहिए होती है और बाप भी चाहिए होता है, दोनों लोग चाहिए होते हैं। तो इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है हम लोग पे, क्योंकि अब हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी डर लगता है कि यार उनका फ्यूचर कैसा होगा, क्या नहीं होगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनका हम फाइनेंसेस उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे, हमारे पर्सनल रिलेशन मेरी और मेरी वाइफ के कैसे रहते हैं। तो इन सब का बहुत टेंशन रहता है, बट इसके थ्रू ये रहता है कि यार मतलब अब घर में लड़ाइयाँ नहीं होती क्योंकि आप वीडियो पे लड़ाई तो दिखा नहीं सकते है ना। तो जब लगता है कि हाँ मामला गर्म हो रहा है तब मैं ब्लॉगिंग शुरू कर देता हूँ कि आओ चलो आज खाना बनाते हैं, आज ये बनाएंगे, आज बाहर चलते हैं घूमने। और एक काम और करता हूँ कि मैं यार साल में ना 7-8 दिन का एक गैप ले लेता हूँ कि अब मैं फोन भी नहीं उठाऊंगा उन 7 दिन। अच्छा, एक कोई डेस्टिनेशन चूज कर ली, वहां चले गए, पड़े हैं वहां पे बीच पे और कुछ नहीं कर रहे हैं, वहां जाके मैं इधर उधर घूमने भी नहीं जाऊंगा, वहां जाके बस पढ़ जाऊंगा कि वहीं रहना है, वहीं सोना है, पूरा दिन सोऊंगा, पूरी रात सोऊंगा, लेकिन यहाँ से हल्का करके आऊंगा। बट अभी सर आपकी जैसे पहले तो आदत नहीं थी ब्लॉगिंग की, अब तो पड़ गई है, मुझे नहीं लगता आप वहाँ कहीं घूमने जाएंगे तो मोबाइल छोड़ के आप सो पाएंगे खाली, ब्लॉगिंग वहां पे तो करना पड़ेगा। अरे यार फॉरेन कंट्रीज गए, अब जैसे मालदीव्स गए वहां नेटवर्क ही नहीं है। नहीं वहां नेटवर्क की जरूरत भी कहां है बीचेस में। तो नहीं नहीं तो ब्लॉगिंग में तो यार ये है ना कि आपको 24 घंटे में 5 मिनट का कंटेंट चाहिए। मेरे पास मेरे पेशेंट्स आते हैं तो कहते हैं सर हम आपका ब्लॉग देखते हैं, आपकी बेटी इतनी अच्छी है, तो अब वो मेरी फैमिली से कनेक्ट है। ठीक है ना, अगर मैम आई ठीक है तो अब मैम से मेरा ऐसा रिश्ता हो गया कि अब मैं कहीं भी इनको देख लूंगा ना, या कहीं भी मुझे एज ए पेशेंट भी आएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा यार ये मेरी फैमिली है और इसको एकदम फैमिली की तरह ही रखना है, है ना। तो वो एक अलग जोन में आप चले गए हो, तो बड़ा मजा आता है इसमें। मतलब ये जो फील्ड है ना, एक तो साइकेट्री, ऊपर से आप जब कनेक्ट करने लगो सोशली भी लोगों से, तो बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे डॉक्टर्स का इंटरव्यू करता हूँ लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बहुत
अमेजिंग है। पेशेंट तो आधे से ज्यादा तो अपना जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके जो माइंड में मैं तो कहता हूँ रिलीज हो रहा है। मैं अपने पेशेंट से बोलता हूँ कि यार तुमको जो प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मेरे पास पेशेंट्स मतलब आते हैं कई तबके के आते हैं ना, तो मैं कई आते हैं मुझसे कहते हैं मतलब जैसे 6 महीने बाद आए तो उनसे पूछता हूँ भाई क्यों तुम लेट आए, क्या दिक्कत हो गई? बोले सर पैसे नहीं थे। तो मैं कहता हूँ तुम ऐसा है, तुम मुझे आज से फ्री देखना, लेकिन तुम आया करो, तुम दवा लेके जाया करो। दवा भाई मुझे भी पैसा देना है, मैं अपना फ्री कर सकता हूँ। तो 10 में मान के चलिए रोज के 2-3 तो ऐसे आते हैं। आज ही की बात है, एक अंकल आए बोले कि वो पहले सर ये जो नींद की दवा है ये 100 रुपए की आ जाती थी महीने भर की, इस बार 300 रुपए की आई। तो मैंने कहा हाँ, और आप तो कह रहे थे पावर कम कर रहे, तो मैंने कहा हाँ कम पावर की ज्यादा महंगी आती है, कुछ नहीं कर सकते। बोले सर बड़ा दिक्कत हो जाती है। मैंने कहा यार अंकल ऐसा है आप अगली बार से फीस मत देना, 2 बार में बराबर हो जाएगा। क्या बात है यार। और क्या कर सकते यार, वो भी खुश हो गए है ना। मेरा क्या चला गया, अब 700 रुपए तो चले, लेकिन 4 जगह वो जाके कहेंगे यार वो डॉक्टर साहब जो है दिलेर आदमी है ना, उनसे जाके मिल लो, दिल खुश हो जाएगा। प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई ना उनकी, उस पे है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो बाय। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत जरूरत है, और व्यूअर्स की तो खास तौर पे।